जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, मनुष्य का जन्म विषय भोगों के लिए नहीं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, बस वही यथार्थ में मनुष्य है। परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। मनुष्य जन्म के उद्देश्य और जन्म सिद्ध अधिकार को भूल जाने वाले मनुष्य पशु से भी अधिक पशु हैं। वह नर पशु जीवन को व्यर्थ खोता है, पाप कमाता है, दुख और अशांति भोगता है और अंत में मनुष्य जन्म को नष्ट करके पाप का बोझा बांधे फिर जन्म मृत्यु के लंबे चक्कर में चला जाता है। मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। जन्म मृत्यु के बहुत लंबे मार्ग को तय करने पर कहीं भगवान की कृपा से ही मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। यों ही इसे नष्ट कर देना आत्महत्या से बढ़कर पाप है। मानव जीवन बहुत लंबा नहीं है, हर एक श्वास में यह खत्म होता जा रहा है। न मालूम हाथ में आया हुआ यह मनुष्य जन्म का दुर्लभ अधिकार किस क्षण छिन जाए, फिर बहुत पछताना पड़ेगा और पछताने से कुछ बनेगा भी नहीं। इसलिए क्षण भर की भी देरी न करके भगवान की प्राप्ति के प्रयत्न में लग जाना चाहिए। विषय भोग तो सभी जन्मों में मिलते हैं, भगवान की प्राप्ति तो इसी जीवन में हो सकती है। विषय भोगों के लिए मत छटपटाओ, जी मत ललचाओ भोगों की रमणीयता पर। याद रखो, जैसे दीपक की जलती हुई लौ को रमणीय देखकर पतंगा उसमें पड़कर भस्म हो जाता है, वही गति विषयों की आग में पड़कर तुम्हारी भी होगी। विषय त्याग का यह अर्थ नहीं कि तुम अपनी इंद्रियों को नष्ट कर दो। इंद्रियों के लिए उन्हीं विषयों को चुनो जो तुम्हें भगवान के मार्ग में पथ दिखलाने वाले प्रकाश रूप हों। कानों से भगवान के नाम गुण लीला और धाम का महत्व तत्व और रहस्य को सुनो। आँखों से उनके भक्तों के और संतों के तथा उनके मंगलमय विग्रहों के दर्शन करो। जीभ से उनके प्रसाद का रस लो और उनके पवित्र नाम गुणों का कीर्तन करो। त्वचा से सर्वत्र उनके मधुर स्पर्श का अनुभव करो और नासिका से उनके मधुर अंग गंध को सूंघो। ये विषय कल्याणकारी हैं और इनसे विपरीत जो भगवान के मार्ग से तुम्हें हटाते हैं वे सर्वथा अमंगल करने वाले हैं, उनका त्याग करो। भगवान सर्वत्र हैं, वे तुम्हारी प्रत्येक इंद्रिय के विषय हो सकते हैं, यह याद रखो। असल में तुम्हारी इंद्रियों के अंदर रहकर विषयों का ग्रहण भी वही करते हैं। संसार के जीवन के लिए जिन आवश्यक विषयों की ज़रूरत हो उन्हें ग्रहण करो, परंतु उनमें फंसो मत। फंस जाओगे तो तुम्हें शहद में लिपटी हुई मक्खी की भांति तड़पड़ाकर मरना पड़ेगा। विषयों में आसक्त मत हो और शहद से अलग बैठी हुई मक्खी की भांति आवश्यकता अनुसार विषय का सेवन करो, उससे बिल्कुल अलग हो जाओ। जीवन निर्वाह का कार्य भी भगवान की सेवा के लिए ही करो, भोग सुख के लिए नहीं। फिर तुम्हारी प्रत्येक क्रिया से भगवान की पूजा होगी भगवान में अखंड विश्वास करो। उनको सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक मधुर, सबसे बड़े ईश्वर, सबसे बड़े ज्ञानी, सबसे बड़े योगी, सबसे निकटतम बंधु, सबसे बढ़कर प्यारे और सबसे अधिक अपना समझो। भगवान की कृपा का सेवन करो, भगवान के अनुकूल आचरण करो, भगवान के नाम गुणों का चिंतन करो, भगवान के विधान में आनंद मनाओ, भगवान के चरणों पर अपने को न्यौछावर कर दो और भगवान के चरण धूलि की आवश्यकता में अपनी सारी आवश्यकताओं को मिटा दो। विश्वास करो, भगवान तुम्हें अवश्य मिलेंगे। विश्वास करो, भगवान तुमसे मिलना चाहते हैं। विश्वास करो, यह विश्वास ही तुम्हें भगवान की ओर ले जाएगा। विश्वास करो,
जितना ही तुम भगवान के समीप पहुँचोगे तुम्हें उतना ही आनंद प्राप्त होगा, और वह आनंद ऐसा होगा जिसके सामने विषय भोगों के बड़े से बड़े आनंद फीके लगने लगेंगे। भगवान उन्हें मिलते हैं जो भगवान की प्राप्ति के लिए सब कुछ त्याग कर सकते हैं। भगवान उन्हें मिलते हैं जो भगवान को चाहते हैं और उनके मिलने में विश्वास करते हैं। भगवान उन्हें मिलते हैं जो भगवान से मिलने के लिए ही जीते हैं तथा भगवान से मिलने के लिए ही जीवन की सब क्रियाओं को करते हैं। भगवान उन्हें मिलते हैं जो भगवान की सृष्टि में किसी से द्वेष नहीं करते और सभी का यथासाध्य हित ही करना चाहते हैं। जय श्री राधे। जय